हेलो एंड हाय एवरीवन स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में जैसे कि आपको पता है इंडियन नेशनल मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का उनका एमसीक्यू सी बेस आज हम देखेंगे आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम्स के लिए खास करके कंबाइंड सेकेंडरी लेवल और कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको पता है इंडियन नेशनल मूवमेंट एक हॉट टॉपिक रहता है इंडियन हिस्ट्री का तो उन

मिल सकते हैं इसका पीडीएफ फाइल क्वेश्चंस पैग ऑफ एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल इंग्लिश उसके साथ में आपको हिस्ट्री पोल जोग्राफी इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट एम मिलेंगे आप यहाँ पर देख लीजिएगा ये है क्यू कोड डायरेक्ट यहाँ पर स्कैन कर सकता है और फोर पे करके यहाँ पर व्हाट्सअप में मुझे स्क्रीन भेज सकता है और राइट तो ऐसे करके आप ये पा सकता है कम्बो ओपर जो अभी तक बैलिट है और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल में ऑइन मोडी ऑफिशियल में फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ एफ बी में अगर फॉलो करना चाहता है तो ओइन मोडी टाइप कर कि मुझे फॉलो कर सकता है और आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोरी सर नाव लेट्स बिगिन तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम 1857 फिफ्टी सेवन टू नाइनटीन जितने भी इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ है आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं और मैं आज ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि एम सी क्यूज ज़्यादा लंबा हो सकता है ऑल राइट और आप भी मन से आंसर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप कितना इंडियन नेशनल मोवमेंट का नॉलेज है मैं देखना चाहता हूँ तो आइए जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं उन्हें इम्पोर्टेंट एम को और क्वेश्चन नंबर वन पर चलिए देखते हैं वो है हु वॉज द लीडर ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट एटीन फिफ्टी सेवन में लखनऊ का तरफ से उनका लीडर कौन था वो था आंसर क्या है क्या वो बहादुर शाह सा, नाना साहेब रानी लक्ष्मी या हजरत महल था उसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर हजरत महल पॉलिटिकल इज फॉर द का जो पॉलिटिकल कॉजेस है उनको बताना है डॉक्ट्री ऑफ लेव प्यूरियल सिस्टम सट्टी सिस्टम या सोल्जर को लो सैलरी से पेड किया जाता था तो उनका आंसर होगा डॉक्ट्रीन ऑफ लेफ और आपको यह भी मालूम होना है जो डॉक्ट्रीन ऑफ लेफ पॉलिसी है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डल द्वारा क्वेश्चन नंबर थ्री में देखते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलर ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो रिबोर्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन जो हम माना जाता है इंडियन ऑफ़ इंडियन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि फेलर uh, uh, हुआ था उसका रेस्पॉन्सिबल कारण क्या था उसका कारण क्या वो लीडर्स वेयर कॉपरेटिव या इफेक्टिव था ये बिल्कुल गलत है लैक ऑफ कॉपरेटिव एंड एपिशियंट ये सही है लीडर्स कैसा था लैक ऑफ कॉपरेटिव था और इन एपिशियंट था और जितना भी निजाम ऑफ हैदराबाद राजा ऑफ जोधपुर राना ऑफ नेपाल जो इंडियन को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया था बल्कि ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था तो उनका सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर आई इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको मालूम होगा ये उसका फाउंडेशन ईयर को पूछा गया है उसका आंसर है एटीन आई होप आई इन ये सभी को पता चल मालूम होता होगा और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वही तो आई थिंक इसको भी सभी मालूम होता होगा ये है ए ओ ह्यूम द वायसराय हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल से क्वेश्चन बहुत आते हैं एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वायसराय कौन था जो अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का वो था लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर अब क्वेश्चन नंबर सेवन में देखते हैं पर्डिशन बेंगल टुक फ्लेस। वही उनका ईयर पूछा गया है उनका ईयर है, 1905 और कौन सा में? जो है वो था आपका बनारस सेशन इज द राइट आंसर सेशन में कॉल किया था उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हम क्वेश्चन नंबर नाइन में द मुस्लिम लीग इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्स ये तो सभी साइड मालूम होता होगा जो मुस्लिम सलीम लीग है कौन लीड किया था वो आगा खान भी सही है नवाब सलीमुल्ला सही है और मोशम उल हक भी सही है ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर दिस इज द राइट आंसर विच आई लीडर एडोप्टेड डिमांड फॉर सूरस एज द गोल ऑफ इन तो इसका आंसर होगा दादा भाई नारोजी इज द राइट आंसर ऑल राइट और क्वेश्चन नंबर इलेवन में देखिएगा इन विशेषण आईएनसी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप आपको ये मालूम होना है 1907 में आईएनसी जो दो ग्रुप में स्प्लिट हुआ था एक को हम मोडरेट uh, कहता है मोडरेट ग्रुप और एक को हम एक्सट्रीमिस कहता है ठीक है एक्सट्रीमिस ग्रुप तो यहाँ पर कौन सा सेशन में स्प्लिट हुआ था वही क्वेश्चन पूछा गया है और उनका आंसर है सेशन शुरुआ और यहाँ पर पूछा गया है हु वेर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर वही एक्सट्रीमिस्ट का लीडर कौन था वो था लाल बाल फाल और उनका पुलफॉर्म है लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र फाल रायट right. बहुत इंपॉर्टेंट है जितना भी ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आप जैसे भी इसे पढ़िएगा अपना कॉपी में नोट करके रखिएगा यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने का चांस है अगर आता भी तो बहुत अच्छा है एंड हु इज रिकॉर्डेड इज द फादर ऑफ कम्युनल एलेक्ट्रॉइट जो फादर ऑफ़ कम्युनल इलेक्ट्रॉइट हम माना जाता है वो है लॉर्ड मिंटो और आई होप ये आपको ये मालूम होगा इंडियन हिस्ट्री में मोरली मिंटो रिपोम का नाम से जाना जाता था एक रिफॉर्म है 1909 में मोरली मिंटो रिपोम जो लॉर्ड मिंटो है उनको हम कम्युनल इलेक्ट्रॉइट माना जाता है ठीक है राइट यहाँ पर गदर पार्टी वॉज पॉम बाय गदर पार्टी को किसने फॉर्म किया था और उसका सही आंसर है लाल हरदयाल ने फॉर्म किया था गदर पार्टी को और गदर पार्टी का हेडक्वाटर को पूछा गया है उनका हेड क्वार्टर होगा सन फ्रांसिस्को को इज द राइट आंसर एंड हाउ स्टार्टेड सॉरी या में हाउ नहीं होगा ये टाइपिंग मिस्टेक है हु स्टार्टेड इस हु इस्टर्टेड ठीक है, आपको यह मालूम होना है रूल, आ, रूल not leak, रूल को में किया गया था और दो जगह पे आ, एन आपका में, जो मद्रास में स्टेट किया था वो था, था, था अन्य विशन ये भी आपको जानना जरूरी है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन में स्लोगान बर्ड राइट एंड आई सेल है वो स्लोगान को बोलने वाला है गंगाधर तिलक और राइट सी इज द राइट एंसर लखनऊ फेक वॉज साइन इन दर लखनऊ को शाइन किया गया था वोटीन हंड्रेड सिक्स इज द राइट आंसर लखनऊ फेक को शाइन किया गया था और यहां पर क्वेश्चन नंबर आप uh, नाइनटीन में जाएगा ब्रिटिश पॉलिसी वॉज अनाउंस वही ब्रिटिश पॉलिसी अनाउंस किया गया था कि इंडियन को इंक्रीज uh, करने के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ऑल राइट एज एन इंटरल फार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड पॉपुलरली उन्हें क्या माना uh, जाना जाता है उनको अगस्त डिक्लेरेशन का नाम से जाना जाता है ऑल राइट right. बहुत इंपॉर्टेंट है अगस्त डिक्लेरेशन और अच्छा से पढ़िए एंड हु स्टार्टेड द रोल ऑफ सट्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में रौलाद सत्याग्रह किसने स्टार्टेड किया था वो था आपका महात्मा गांधी इज द राइट आंसर और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में वन डिट जलियनवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस uh, ये इसका आंसर होगा थर्टीन अप्रैल नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन इज द राइट आंसर और अली ब्रदर uh, मोहम्मद अली एंड शौकत अली किससे फेमास है और पेमास पो इसका आंसर होगा ट्वेंटी टू का वो होता आपका, किलापत मौप्में, किलापत मौप्में है आपका किलापट मोवमेंट किलापट मोवमेंट से दोनों बहुत फेमस है एंड व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मोवमेंट टुक प्लेस और उनका आंसर होगा 1920 इज द राइट आंसर एंड व्हिच इंसिडेंट लेट गांधी जी टू विद्रोल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वही एक इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट का कारण वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी द्वारा विदड्रॉल करना पड़ा वो था आपका चोरी छोड़ा इंसिडेंट और चोरी चोरा इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है चोरी चोरा इंसिडेंट उसका वजह से विद्रॉ किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में देखिएगा हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सोरस पार्टी इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में सोरस पार्टी का जो प्रेसिडेंट uh, था उनका नाम है सी आर दास इज द राइट आंसर ऑल राइट सी आर दास इज द राइट आंसर वो था आपका प्रेसिडेंट था और साइमन कमीशन वॉस इन ईयर साइमन कमीशन ईयर है आपका नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन इज द राइट आंसर ऑल राइट यहाँ पर देख लीजिएगा इन सेशन पूर्ण स्वरस मतलब जो पूर्ण कौन सेशन में उसे ultimate goal declared किया गया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने का चांस है और इसका आंसर होगा लाहौर सेशन लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया था ट्राई कलर फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रिवर एट द लाहौर इन थर्टी फर्स्ट दिसंबर 1929 वो था आपका जवाहरलाल नेहरू इज द क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा दंडी मर्स वॉज स्टार्टेड ऑन डंडी मर्स को कब स्टार्टेड किया गया था वो था आपका 1930 एंड हु लेड हुट दंडी मर्स दंडी मर्स को किसने लेट किया था वो था आपका महात्मा गांधी इज द राइट आंसर यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर थर्टी तक कर चुका है ये पार्ट वन रहेगा और पार्ट टू वीडियो में जल्द से लेके आऊँगा और फिर से मैं बता लूँ दोस्तों यहाँ पर कम्बो ऑफर है स्टील बैलिट है आप ले सकते हैं कम्बो ऑफर आपको एलिमेंट्री मैथ्स और आपको जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक मिलेगा इनमें बहुत सारा क्वेश्चन है साढ़े साथ उनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा और वो हम कम दाम में दे रहे हैं सिर्फ फोर हंड्रेड सिर्फ ये सेप्टेम्बर का महीने में ही हम सेल करेंगे इसके बाद इसे तुरंत बंद कर देंगे सेप्टेम्बर का महीने के बाद और इनके साथ में प्री आपको मिलेगा जी के हिस्ट्री पॉल जोग्राफी इकोनॉमिक्स मोर देन फोर थाउजेंड क्वेश्चन और अगर आप चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे आप बात कर सकते हैं और पार्ट टू वीडियो विल बी अपलोडेड सोन उसके लिए आप वेट करना एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन तो कभी दबा सकते हैं थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग डू शेयर सेम सब्सक्राइब बाय टेक केयर वेल